बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम दिखाएंगे आपको गंदम की कटाई। गंदम की कटाई बहुत ही मेहनत वाला काम है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और चलें आएँ, शुरू करते हैं वीडियो। चने की फसल भी माशाल्लाह पक के बिल्कुल तैयार है और अभी तक इन्होंने कटाई स्टार्ट नहीं की। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बिल्कुल पकी हुई फसल। ये जो आप देख रहे हैं, ये गंदम की गड्डियां बना के इन्होंने रखी हुई हैं। ये गड्डियाँ सूबी से बनाई जाती हैं और फिर इन्हें एक तरतीब के साथ जोड़ दिया जाता है। ये काफ़ी दूर तक जो पड़ी हुई हैं और आपको नज़र आ रही हैं, ये गंदम की गड्डियाँ बना के इन्होंने रखी हुई हैं, फिर इन्हें एक तरतीब के साथ जोड़ के रख दिया जाएगा ताकि ये धूप पे सूख सकें। चलें जी आए, गंदम काटते हैं। और गंदम जिस तरह काटी जाती है, इसे कहते हैं दातरी। दातरी के ज़रिए भी गंदम काटी जाती है और मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए भी आजकल गंदम काटी जा रही है, लेकिन जो पुराने वक्तों में गंदम काटी जाती थी वो इस दातरी के ज़रिए काटी जाती थी। चलें आए, काटते हैं और आपको दिखाते हैं। ये काट के एक साइड पे रखी जाती है और फिर इस तरह इसे इसी की सुबी बना के और इसे बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है फिर वैसे आजकल के हमारे जैसे नौजवान ऐसे कामों से भागती हैं। गर्मी का ज़ोर जी काफ़ी सारा टूट चुका है। अभी गंदम काटना थोड़ा सा आसान है, नहीं तो धूप में गंदम काटना बड़ा मुश्किल काम है। और इस गंदम में कांटे वगैरह काफ़ी कम हैं, नहीं तो हाथ से गंदम काटने का रवाज भी तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर किसी ने गंदम काटी है तो वो ज़रूर कमेंट करे और बताए कि ये कैसा काम है। बहुत ही मेहनत वाला काम और इसे करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्लिक करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।